उत्तर प्रदेश के हाथरस से है, जहां स्विमिंग पूल में नहाते समय 22 वर्षीय युवक की स्विमिंग पूल में डूबकर मौत हो गई। युवक स्विमिंग पूल में डूबा और स्विमिंग पूल में डूबने से युवक की हालत गंभीर हो गई। युवक के साथियों ने आनन-फानन में युवक को हाथरस जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। जिला अस्पताल से युवक की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने युवक को आगरा के लिए रेफर कर दिया। एम्बुलेंस से आगरा जाते समय युवक की रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं परिजनों ने स्विमिंग पूल के मालिक को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कोई व्यवस्था न होने से हुई ये घटना। पीएलएल न्यूज के लिए हाथरस से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हाँ देखिए, पेशेंट आया था, काफी डेस्परेट कंडीशन में था, मतलब बहुत सीरियस कंडीशन में था और बता रहे थे कि स्विमिंग पूल में शायद गिर गया था, तो वहाँ से इसको लेकर के आए थे, तो हमने इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट रेफर कर दिया। रेफर कर दिया यहाँ से।